आज हम हमारी स्कॉर्पियो के साथ में रुकने वाले हैं 24 घंटे इस खतरनाक जंगल में। इस वाले चैलेंज में गाड़ी के साथ में इस जंगल में रुकने वाला हूँ मैं, मेरे साथ में मोटा, मेरे साथ में किशोर और ये यश। जी हाँ दोस्तों, हम है टोटल 4 बंदे, एक कैमरामैन और ये है हमारी गाड़ी। यही आज हमारा सहारा होने वाली है भाई, इसी में सोने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख लो सारी चीजें है ना, हम आपको बता देते हैं कि हम क्या क्या चीजें लेके आए हैं। यहाँ पर आप देखो भाई, ये है हमारी तिजोरी जिसके अंदर है ये 2 पोर्टेबल चेयर। जी हाँ, कुछ इस तरीके की चेयर है। तो यार ये है ना, ये चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। और यहाँ पर ये स्विमिंग सूट, अगर है ना ज़रूरत पड़ी ना तो यार हम इनका ज़रूर यूज़ करेंगे आराम से, यार मस्त नहाएंगे। और यहाँ पर ये है पानी, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर ये छोटा सा गैस का चूल्हा जिसमें हम अपना खाना पकाएंगे। जी हाँ, और यहाँ पर ये दरी, इसके अंदर मसाले वगैरह है। और यहाँ पर भाई ये कैप, ये एक मेरी है, सस्ते मिस्टर बीस्ट बनेंगे हम गाइस। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस बैग के अंदर वही बर्तन वगैरह है। और नीचे है हमारा टेंट, देखो ये रहा हमारा टेंट। और इसके अलावा दोस्तों ये है 2 स्लीपिंग बैग। जी हाँ, जिसके अंदर हम आराम से सो सकते हैं भाई। एक मेरा है, एक मेरा है। तो मैं कहाँ पे सोऊंगा? मैं आराम से गाड़ी में सोऊंगा एसी चलाकर। तुम सोना बाहर, ठीक है? मच्छर खाएंगे अल्ले पकड़ तू। नहीं, अब तो इसमें तू ही सोना। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो यार, कितना घना जंगल है और काफी ज्यादा खतरनाक जंगल है। देख सकते हो आप कितना घना है, देखो भाई। ओए सुनो, बंदर कहाँ पे? बंदर वो पेड़ पे। हाँ यार बंदर है भाई, वही जंगली जानवर भी होंगे, तेंदुए वगैरह। गाइस काफी ज्यादा है ना, हम बच के रहने वाले हैं क्योंकि है ना ये चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है हमारे लिए। यहाँ पे आप देख लो यार, जंगल काफी ज्यादा घना है और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। और यहाँ पर गाइस ये ही हमारे एक सहारा है, 4x4x4 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। बचा लेना यार मेरी जान प्लीज, ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे और आगे जाएंगे जंगल में। अभी तो स्टार्टिंग है जंगल की, घने जंगल तो नीचे। अच्छा, और जंगल में जाएंगे? बैठ तू, मैं लेके चलता हूं। गाइस यहाँ पे हमें ना गाड़ी में बैठ के और जंगल में जा रहे हैं। डर लग रहा है तुझे? डर तो लग रहा है। 24 घंटे रुकने वाले हैं, समझ रहा है? अभी तो नहीं लग रहा, नाइट में ज्यादा लगेगा। नाइट में तो लगेगा भाई। गाइस जी सुनो, ये क्यों बोल रहे हैं? अरे भगिया से, ये पहले ही डरा रहे हैं। ये डरा रहे यार, पक्षियों की आवाज आ रही है। कोई नहीं गाइस, अब चलते हैं फटाफट से और भी ज्यादा आगे, जहाँ पर और भी तगड़ा वाला घना जंगल है। भाई साहब काफी ज्यादा घना जंगल है यार। किशोर अरे रुक जा यार, अब नहीं नहीं आज तो ऑडियंस को वो दिखाएंगे तेंदुआ। अरे सुन, हाँ अपनी क्या हालत होगी? अपन तो गेट बंद कर लेंगे, कांच बंद कर लेंगे। तेंदुए ऐसे मान जाइए भाई, ताकतवर होते हैं वो। और तेंदुए है, वन विभाग वालों ने क्या बोला? हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है अगर तुम जा रहे हो तो। गाइस बिस्किट खिला देंगे उसको। तब बिस्किट कुत्ता है वो, मेरे यहाँ पे रोक लेता है, यहीं पे रोक। गाइस वहां पे आप देख सकते हो जो सूरज है ना वो काफी ज्यादा ऊपर है, और हमारे पास बहुत सारा टाइम है अभी तो खाने की तैयारी करने के लिए, सोने का ठिकाना ढूंढने के लिए, और सबसे पहले आग जलाने के लिए। जी सबसे पहले हम जाएंगे नदी के पास। नदी के पास है ना, हम लोकेशन देख रहे हैं। हमारे को ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पर हमारे को पानी भी पास में मिल जाए, आराम से हम हमारी कार को भी पार्क कर सके और वहाँ पे खाना भी बना सके। ये कैसी है लोकेशन बता? ये देखिए पानी जा रहा है, खाने का एक जुगाड़ है यहाँ पे। क्या देख, जामुन लग रहे हैं, वो तोड़ लेते हैं सारे। सच्ची में यहाँ पे आप देखो गाइस कितने सारे जामुन है, लेकिन ये सारे के सारे खराब है। देखो ये सारे खराब है, मोटा जा रहा है और ऊपर बिल्कुल फ्रेश फ्रेश जामुन तोड़ने वाला है। आराम से करो, हाँ तोड़ने तोड़ने, नीचे फेंक नीचे, कैच करना। हाँ ये देख या। तो गाइस रात बिताने के लिए लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे आप देखो भाई कितने सारे जामुन मिल चुके हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश। तो इसको अच्छी तरीके से धो देते हैं, ये भी बिल्कुल फ्रेश पानी है। और अब हम आराम से गाड़ी में बैठ के खाएंगे इनको, और लोकेशन भी ढूंढनी है, भर लेना इसको। यहाँ पे गाइस जो है ना पानी, उसको पहले हम गर्म करेंगे और फिर ही बाद में पीने वाले हैं। यार देखो कितना क्लीन पानी है, ये ले 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 ले। गाइस जो सूरज है वो डूब चुका है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, रात बिताने के लिए हमारे को लोकेशन मिल चुकी है। बस है ना वहाँ पर एक बड़ी सी लकड़ी है, उसको हटाना पड़ेगा, बाकी तो रास्ता पूरा क्लियर है। आने दे किशोर, आने दे, आने दे, आने दे, आगे आने दे। बिल्कुल गाइस है ना नदी के पास में लोकेशन मिली है हमारे को, बिल्कुल नदी के पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये इतनी बड़ी लकड़ी है, इसको हटाना पड़ रहा है हमारे को। पूरा हटा दे, पूरा हटा दे, गाड़ी काफी ज्यादा बड़ी है। आने दे, आगे आने दे, अब फिर टच होगी क्या? आराम से आने दे, आगे आने दे, आगे आने दे। यहाँ पे देखो गाइस कितनी प्यारी लोकेशन है, पास में है नदी और यहाँ पर हम करेंगे कैंपिंग। बिल्कुल इस जगह यहाँ पे गाइस जो हमारी गाड़ी है ना वो लगने वाली है। ले आ, ले आ, पास में ले आ, बिल्कुल
जगह भी देखो बिल्कुल क्लियर है, जो है ना मच्छर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस कुदरत कितनी प्यारी होती है यार, अगर है ना सबसे ज्यादा प्यार है ना तो यार मुझे कुदरत से ही है। देखो आप एक नंबर यार, हमें रुक रहे यार पोटी आ रही है। खाना बना क्या खा जा, पोटी आ रही है। अरे यार कहाँ से लेकर जाते इसको, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे टाइम पे जाते हैं भाई, जोर से लग रही है मेरे को तो जाना पड़ेगा। गाइस इतना मस्त था, मैं ना प्रकृति के मजे ले रहे थे, वो दूषित करने जा रहा है, दूर ही जाना तो दूर ही। पत्थर फेंक, पत्थर मार उसका सर फोड़, उसका सर फोड़। जा रहा हूँ दूर जा रहा हूँ तुमसे तुम्हें। गाइस यहाँ पे है ना यार लोकेशन काफी ज्यादा प्यारी मिली है हमारे को, ये खड़ी है अपनी कार, ये है दोस्तों अद्भुत टेक्नोलॉजी का नमूना, और यहाँ पे ये है प्राकृतिक का नजारा, और आज इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बीच हम रात बिताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मच्छर काटेंगे ना तो आराम से हम एसी चला के सो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फुल तो है ना टंकी, टंकी फुल है, फुल फुल है, चल ठीक है। तो गाइस अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना टेंट। जी हाँ, तो चलिए फटाफट सब लगा देते हैं। हो भाई थक गए यार, यहाँ पे आप देख लो सब्जी काटी जा रही है, क्योंकि अब हम बनाएंगे अपना खाना, और यहाँ पे जो अपने स्लीपिंग सूट है वो तैयार हो चुके हैं। दो बंदे आराम से इसमें सो जाएंगे, तीन बंदे आराम से गाड़ी में सो जाएंगे, और मस्त रात कट जाएगी। मैं ना एक बार आपको सोके बताता हूँ भाई। भाई यार एक नंबर चीज है यार, नदी के पास में ना सर्दी भी नहीं लगेगी भाई। भाई रात में मैं तो आराम से इसी में सोने वाला हूँ यार, मस्त। दूसरा वाला मेरा है, कोई दूसरा वाला तेरा, ये वाला मेरा, कोई नहीं हम तो गाड़ी में सोएंगे, हीटर चला के मस्त, ना सर्दी लगेगी। अरे पूरा डीजल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे फंस जाएंगे फिर। अरे चाबी देंगे नहीं, चाबी हम देंगे नहीं, अंदर सो जाना तुम। ओए सुन मोटे, अपन दोनों साथ में सो जाएंगे ना। ये नहीं आएगा, ये एक ही नहीं आएगा, ये आता है या नहीं। जो अपने यश भाई साहब है ना वो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे हैं। यश के अंदर पाप देना फिर ये सोएगा ही। वो ये सच में ऐसा काम कर देगा यार, यश पाप दे इसके अंदर। तो इसमें बिल्कुल मम्मी लग रहा है यार। मैं कहां से मम्मी लगूंगा, मैं तो मेल हूं ना। अरे वो वाली मम्मी नहीं रही पागल, वो वाली मम्मी जो नहीं होती है, पैक होती है पिरामिड में, वो हाँ वो वाली। बिना पढ़े लिखा यार क्या करते थे स्कूल जाके, ये बताना। तो बोला ना मम्मी लग रहा है इसलिए बोला मैं। खाना बन गया है क्या? बन रहा है। तो भाई यहाँ पे है ना थोड़ी देर में अपना खाना भी बनने वाला है, तो चलिए यार बना लेते हैं फटाफट से मैगी। यहाँ पे हमारे पास नमकीन वगैरह भी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से मस्त खाना खाने वाला है। और लोकेशन काफी ज्यादा प्यारी है यार, एक नंबर लोकेशन है देखो आप। तो भाई लोगों अपना मैगी का मसाला तयार हो गया, और उधर वो छोटी छोटी की जा रही है ताकि जल्दी पक जाए और हम खा सके। और भाई साहब जन्नत मिल गई यार यहाँ पर आकर, जुबेर वाली। अबे वो वाली नहीं पागल, नेचर वाली कुदरत। वो तो है यार काफी प्यारी जगह, लेकिन तेरे जैसे आते यहाँ पर दूषित करके जाते, अभी करके आया थोड़ी देर पहले। अरे रुक जा रहे यार, बेचारे को मारेगा क्या अब तू। काम ऐसे करते यार, जा देखो जाइए, सुबह तू भी करेगा, सुबह सुबह तू भी करेगा, सुबह तो सब जाते हैं। वो भी तू खाने में यार थोड़ी लगाम लगा कर यार मोटे, कुछ भी नहीं खाया सुबह से। गाइस ये देखो टमाटर खा गए यार, 200 रुपए किलो चल रहे अभी, एक दो टमाटर खा गया भाई। अभी मैगी खा के फिर बोलेगा थोड़ा वापस आके आता हूं। फाइनली गाइस जो मैगी है वो बनके तैयार हो चुकी है। किशोर हां टेस्ट एक नंबर। नहीं यार मैं भी टेस्ट करता हूं भाई, एक नंबर टेस्ट है सच में। अरे यार ऐसी जगहों में सब चीज टेस्ट नहीं बनती। अभी तो वहां पे सुनो गाइस अब आवाज, पानी की आवाज, प्यारी आवाज आ रही है यार, एक नंबर। और मैगी भी एक नंबर है, एक नंबर। अरे एक नंबर से याद आया, जो भी बाहर सोता है ना पूरा ध्यान रखना। गाइस यहाँ पर है जंगली जानवर, तेंदुआ चीता ऐसे ऐसे खतरनाक जंगली जानवर है, और वन विभाग वालों ने हमारे को साफ साफ बोल दिया है कि यार आप आपकी जिम्मेदारी पे जा रहे हो, और हमारे से पूरे साइन वगैरह भी करवाए हैं, मतलब कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो यार हम आपके लिए इतने तगड़े तगड़े चैलेंज करते हैं, तो यार आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो यार, फटाफट से लाइक करो यार। कोई एक साथ नहीं सोएगा, सब बारी बारी सोएंगे, सब बारी बारी से ध्यान रखेंगे। वैसे तो गाइस हमारे पास में लकड़ी भी है, मतलब कि सेफ्टी के लिए हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन यार किस्मत का क्या भरोसा, देखते हैं। पहले तो फटाफट से मैगी खाते हैं यार। गाइस खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, और जो ये लोकेशन है ना वो जितनी ज़्यादा प्यारी दिन में लग रही थी ना उतनी ज़्यादा डरावनी अभी लग रही है। जी हाँ देखो आप एक बार भाई, ऐसा लग रहा है कोई हॉन्टेड जगह पर आया हुआ हूँ मैं। देखो देखो पूरा फोकस वहाँ पे मारे एक बार, देखो काफ़ी ज़्यादा डेंजर लग रही है यार। और जो है ना
आवाज़ वो भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी आ रही है। पहले ना हमारे को यहाँ पर एक सियार की आवाज़ आई थी और भाई जंगली कुत्तों की भी आवाज़ आई थी। मोटा सो रहा है यहाँ पर, अंदर एक तो है ना किशोर सो रहा है, यहाँ पे आगे की तरफ किशोर सो रहा है और पीछे सो रहा है यश, ये आराम से फैल कर सो रहा है पीछे ही। और वहाँ पे आप देखो मैं सोने वाला हूँ इस जगह। तू कहाँ पे सोएगा? अंदर उस वाली सीट पे। ठीक है, तो अभी ध्यान कौन रख रहा है? अभी तो मैं रख रहा हूँ। तू रख रहा है ध्यान? मेरी बात सुन, तू सोए ना तब किशोर को उठाना, ठीक है? पक्का उठा देना किशोर, सुन जब तू सोए ना तो मुझे उठाना, ठीक है? मजाक से हटके है ये, सारे मत सो जाना भाई। आवाज़ आ रही है जंगली जानवरों की? मुझे भी आ रही है, नींद नहीं आ रही यार अंदर भी, अंदर नींद नहीं आ रही है। और गाइस ये है ना पागल बना रहा था भाई, डीजल इसके अंदर कम है, स्टार्टिंग में बोल रहा था फुल डीजल, कहाँ पर गए थे डीजल ये बताना? आराम से गाड़ी के अंदर हम सारे सो सकते थे गाड़ी को चलाकर, बहुत कम डीजल है गाइस इसके अंदर अभी। लेकिन जो रास्ता था ना वो भी यार काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ था, तो उस वजह से हो सकता है कि यार माइलेज यहाँ पर बहुत कम हो दिया हो गाड़ी ने और इस वजह से डीजल ख़त्म हो गया हो। कोई नहीं, बाहर सोएंगे, सो जाते हैं यार। तो गाइस रात के 2 बज रही और मुझे बाहर से आवाज़ आई, ये 2 लोग यहाँ पर सो रहे हैं और ये 2 बाहर सो रहे हैं और इनके पीछे की तरफ से मेरे को आवाज़ आई। मैं एक बार बाहर जाके देखता हूँ, ये मैंने लाइट भी ऑन कर ली, मेरे को पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ था, पूरा कंफर्म। ये गाड़ी की लाइट ऑन की, मैंने देखता हूँ इसकी नज़र से कुछ दिख जाए तो, यहाँ इसकी इधर से आया था गाइस, मेरे को लगता पता नहीं इधर से आवाज़ आई थी। वो देखो फिर गाइस अभी तक हिल रही है वो डाली। ओए और यहाँ पर कुछ आ गया, देखो जल्दी आओ। ओए भाई उठ जल्दी उठ, अरे यार तुम्हारे पास में कुछ आया था अभी, आके चमकी वहाँ पर, आके चमक ली ना, आके चमकी मुझे, अब नहीं है। अरे भाई इसी जगह था ना, यहाँ पर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक नहीं, मैंने वहाँ पे देखी थी आके, उस जगह देखी थी। अरे तू क्या चाह रहा है, तू गाड़ी बैठ अभी तो, ओए जल्दी गाड़ी बैठ, गाड़ी बैठ, पैरों के निशान यहाँ पर। अरे मैं बोल रहा, अब मेरे को आवाज़ आई तभी तो मैं बाहर निकला, गेट खोल यार जल्दी, गाड़ी लोकर। देखा मैंने उसको, पैरों के निशान देखे मैंने अभी। अरे तुम्हारे बिल्कुल जैसी आवाज लगाई ना, हाँ। मेरी एकदम से नींद उठी, मैं सोचा क्या हुआ, और मैंने आंखें देखी जस्ट भागते हुए देखा किसी को। अरे मेरे को तुम्हारे सिर की तरफ देखा, वो जानवर पक्का है। काचुपुर कर, पैरों के निशान है यहाँ पर, इस जगह रेत है ना, यहाँ पर रेत के पास में पैरों के निशान भी है, वो भी देखे मैंने अभी। नींद उड़ गई मेरी तो। अरे यार हम तो आराम से सो रहे थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं ध्यान रख रहा था। भाई सभी को नींद आ रही है लेकिन अभी तक कोई भी नहीं सोया है, कोई भी नहीं, सबको डर लग रहा है यहाँ पर सबको। भाई जो हमने देखा था ना आंखों से, कैमरे में हुआ कुछ कैप्चर? यार मैं देख नहीं पाया लेकिन था, लेकिन जरूर दिखा होगा मेरे ख्याल से, तो पता नहीं, जो भी हो यार एडिटिंग का टाइम पता चलेगा। बाकी है ना काफी डरावना था भाई, मैंने खुद देखा पेड़ हिलते हुए, और कोई कुत्ता टाइप था भाई, या तो कुत्ता था जंगली कुत्ता या सियार था, मतलब कुछ था तो डेंजर ही था भाई। और भाई उसमें इतनी ताकत थी कि हमारे पास में आ चुका था वो, तो आप समझ लो खूंखार जानवर था वो। कुत्ते की तो नहीं होती है यार इतनी औकात की इतना पास में आ जाए, बस हाँ ये पास में, ये भी तो है रिवर के पास में, नहीं पता चले चेता वगैरह होता ना तो अभी तक खा जाता भाई, सही टाइम पे नहीं लोगे ना। अरे हाँ गाड़ी लो कितनी, अरे यार गाड़ी तू खोल रहा बार बार में यार, मैं कहाँ से खोल रहा हूँ, ये तो अपना फुल ड्यूटी वेटिंग, अब लोग है ना कहाँ लोगे, देख ये क्या, रुक जा बंद कर इसको, अब लोग भी तू इतना क्यों डर रहा है गाड़ी भाई, मैंने आंखों से देखा उसको डरने लगे, गान फट गई मेरी तो। सो जाओ हम ध्यान रख रहे हैं ना, सो जाओ। अरे यार कल का पूरा दिन बाकी है और इतना बड़ा चैलेंज है, तुम सो जाओ, हम दोनों ध्यान रख रहे हैं, अपन दोनों ध्यान रख रहे हैं, ठीक है ना? ठीक, कोई नहीं होगा भाई, कार के अंदर सेफ है भाई, बाहर थी रिक्स, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, गाड़ी अपन स्टार्ट करके भाग भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सो जाओ आराम से। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, सुबह हुई, हमने हमारा सामान पैक किया, फटाफट से हम निकल गए क्योंकि जो हमने रात में देखा था ना वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। गाइस हमारा प्लान था इस जंगल से बाहर निकलने का, लेकिन यार किस्मत खराब, हम तो और भी ज़्यादा घने जंगल में घुसते जा रहे हैं। ओए मोटे रास्ता भटक गए अपन, देख एक बार, मैंने पहले ही बोला था रिवर क्रॉस करके आगे मत जाओ, मत जाओ भाई, मैंने इससे तगड़ा वाला जंगल कभी नहीं देखा यार, घना होता जा रहा है। किशोर तू रास्ता भटक गया क्या? मुझे ऐसे लग रहा है यार भाई, गाड़ी घुमाने की भी जगह
कुछ जगह नहीं है, कुछ भी जगह नहीं। सीधे सीधे चलते जाओ। आगे देख तू आगे। यार सीन कितना खतरनाक और कितना डेंजर दिख रहा है अपने को। शेर मिलना चाहिए, घंटा मिलना चाहिए। शेर रात में नहीं देखा था, फटी थी तेरी, भाग कर आया था गाड़ी के अंदर। अभी शेर दिखना चाहिए तुझे। आगे तो बिल्कुल छोटा सा रास्ता है यार। हाँ। यार वापस घुमा लेना, यू टर्न ले ले भाई। जगह भी नहीं है यू टर्न लेने के लिए। काला साल बोर्ड बड़ा ले लिया अपन ने यार। तभी तो यार, इसकी जगह अगर अल्टो आर्स होती ना, यहाँ से घुमा लेता अपन। इस जगह से घूम जाती आराम से, लेकिन वो आप ही तो नहीं पाती अल्टो आर्स यहाँ पर। देखो गाइस, रास्ते में पेड़ आया हुआ है और पूरा एक कीचड़ वाला रास्ता है, पत्थर ही पत्थर है भाई। इससे ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो और कौन कर सकता है। देखो आप, इससे तगड़ी ऑफ रोडिंग भाई, कैसी ऑफ रोडिंग चाहिए। और यह डर लग रहा है कि इसका चैम्बर वगैरह ना फट जाए। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो यार यहाँ पर हम अटक जाएंगे और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरदर्द वाला काम हो जाएगा। यहाँ पर हेल्प मंगवाना भाई, कैसे मंगवाएंगे हेल्प? कॉल वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, बुरी तरीके से फंसे। ओ भाई किशोर, किशोर आगे ढलान है। भाई हम है ना जंगल से तो बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन जंगल में क्या एक मस्त वाला वॉटरफॉल दिख चुका है हमारे को। तो हम सोच रहे हैं कि यार थोड़ी टेंशन कम करते हैं, पहले मस्त नहाते हैं। जी हाँ दोस्त, आराम से नहाएंगे यार। और फिर आगे और सोचने वाले हैं कि हम आगे क्या करें। तो सबसे पहले चलते हैं वॉटरफॉल के पास और नहाने वाले हैं यार। देखो पानी की आवाज आ रही है भैया, बहुत तेज वाली, बहुत तेज पानी की आवाज आ रही है उधर देखा। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं झरने के पास में, लेकिन जो ये पानी है वो काफी ज्यादा गहरा है, तो हम आगे तो नहीं जा सकते। हमारे को स्नान यहाँ पर ही करना पड़ेगा। जी हाँ, ओए यहाँ पर ही नहा लेते अपन, ठीक है ना? आपको बताइए पानी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ऊपर है ना 20 लीटर की टंकी रखी हुई है। अच्छा, वो वॉशरूम के ऊपर होती है जो वाली टंकी। तो गाइज वहाँ पे ऊपर है ना 20 लीटर की टंकी है, और उससे देखो कितना प्यारा सा झरना आ रहा है। भाई मजाक कर रहा हूँ, बाकी यार मजाक एक साइड में, और यार जो इसकी खूबसूरती है वो एक साइड में। देखो आप कितना प्यारा ये झरना लग रहा है यार, काफी ज्यादा प्यारा। भाई ये देखो ये नहाने लग गए। कोई नहीं यार, सुबह के परेशान हो रहे हैं, रात के अंदर तो है ना उस जानवर ने परेशान कर दिया, और अभी आराम से नहाएंगे, माइंड को फ्रेश करेंगे और फिर रास्ता ढूंढेंगे। वहाँ पर वहाँ पे जाकर नहाएगा, चल ठीक है। तो गाइस मेरे पास तो दो चड्डी है, तो मैं तो आराम से यहाँ नहा रहा हूँ, उनके पास एक चड्डी है। देखो वो उधर छुप के नहा रहे, कोई चड्डी को नहीं है उन्होंने, बहुत शर्म। घर से लेके नहीं आते, मैं तो दो लेकर आया गाइस, पड़ी मेरे पास एक और इधर। चलो मैं तो नहाता हूँ यहाँ पर आराम से, मजा करता हूँ। यस, तो भाई मेरे को तैरना भी नहीं आता, मैं ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगा, यहाँ पत्थर पर बैठ के नहाऊंगा आराम से अपने मजे से। आजा कैमरा मैन, तू भी आजा, रख दे कैमरा। तो फाइनली गाइस हम नहा तो लिए, और अब हमारे को नाश्ता बनाना है और चाय भी बनानी है, और यार सबसे मेन इस जंगल से बाहर निकलना है। जी हाँ दोस्तों, भाई इस जंगल से बाहर निकलना है, क्योंकि हम है ना काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके हैं। एक रास्ता तो हमारे को मिला है, देखते हैं कि वो बाहर निकल पाता है या नहीं। सबसे पहले तो ऊपर चढ़ते हैं और फटाफट से गाड़ी के पास में चलते हैं। यार खिला दो यार, भूख लग रही है मेरे को। अरे इसको खिलाओ रे कुछ, इसका यही काम है, ये घर तोड़ ही दे रहे हैं यहाँ को, इधर देख भूख लग रही है। अभी तक किशोर तूने जंगल से भी बाहर नहीं निकाला। गाइस बुरी तरीके से फंसे हुए हैं हम। जी हाँ, आराम से उधर है ना झरने के पास में नहाकर आए थे, तो थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ। और आगे है ना मुझे लग रहा है कि जो ये रास्ता है ना वो निकल तो जाएगा जंगल से बाहर, बस निकल जाना चाहिए। तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ पास्ता, और गाइस मैं खाने वाला हूँ पास्ता। तुझे मिल जाएगा खाने के लिए, मेरा भाई बना रहा है पास्ता। इसने परसों के दिन देखी थी रेसिपी, इसको खुद नहीं आता। मम्मी कसम खाते हुए कितनी बार बनाया पास्ता? मैंने आज सेकंड टाइम कर रहा हूँ मैं। सेकंड टाइम का? अच्छा फर्स्ट टाइम का बनाया तूने? सपनों में देख रहा है। अब मिल जाएगा तुझे खाने के लिए? अरे तो वीडियो देखी ना? अरे भाई रेसिपी देखी, अभी तक ट्राई थोड़ी किया। गाइस कुछ पता नहीं हमारे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओए बस बना के खिला देना, ठीक है ना? ठीक है, तुम उंगलियां चाट तो फिरोगे। वाह ठीक है, अब पता चल गया गाइस ये कैसा बनाने वाला है। अच्छा है यार, एक नंबर टेस्ट है। बस आज मैंने बनाया ना इसलिए मस्त। तूने बनाया या उसने बनाया? मैंने बनाया। वीडियो देख लो गाइस, आप वीडियो देख लो, देख लो। कुछ भी होगा हमारे को तो खाना मिल गया, आराम से बस खाते हैं। बाकी है ना कल भी टेस्ट एक नंबर था मेरी का, आज इसका भी टेस्ट एक नंबर है भाई। ये कुदरत का टेस्ट है यार। तभी अरे भूख लग रही है, एक तो पता है भूख के कारण अच्छा लग रहा है भाई। हम बिल्कुल थके हुए हैं, वो भी बुरी तरीके से, इसलिए भी है ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। फटाफट से खाते हैं और फिर है ना जंगल से बाहर निकलना है अभी। तो भाई हमारा खाना पीना कम्प्लीट हो गया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सारा कचरा उठा लो, सारा डाल दो इसके अंदर, पूरा कचरा उठा लो, गाड़ी में रख लो, आगे गाड़ी में रख लो, डाल देंगे।
तो गाइस आप ही है ना कभी जंगल में जाओ ना तो यहाँ साफ सफाई रखा करो। तो चलिए अब हम जाएंगे आगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये रास्ता, ये जरूर आगे जाता होगा और हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। सोच तो हमेशा ही रहे हैं, पता नहीं ये रास्ता कहाँ पे जाएगा। तो गाइस हम आ रहे थे उस वाले रास्ते से और यहाँ पे आप देख लो भाई बीच में ना हमारे को पानी दिख गया और जो ये पानी है ना वो दोस्तों सड़क से होता हुआ जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी जो गाड़ी है ना उसको वॉश कर दिया जाए। तो यहाँ पे आप देखो भाई मस्त वाली है ना धुलाई चल रही है भाई, एक नंबर वाली धुलाई। अब है ना मस्त लगने वाली है अपनी गाड़ी भाई पूरी पूरी। गाइस गाड़ी है ना जो काफी ज्यादा गंदी हो गई थी लेकिन अब काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और आगे हमारे को जाना है इस साइड में और जो हमारा चैलेंज है वो दोस्तों थोड़ी देर में हो जाएगा खत्म। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो पहुंच गए हम जंगल के बाहर। जी हाँ दोस्तों कैसा लग रहा है तुझे भाई? अब बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे बहुत अच्छा भाई? भाई मजा तो आया, मजा एक नंबर था यार। जो हमने लोकेशन देखी ना भाई इतने डीप में गए, इतने डीप में गए यार जंगल के अंदर ही अंदर घुसते गए। लेकिन भाई रात को डर लगा था, कोई नहीं गाइस अब जो भी हो हम बिल्कुल सेफली बाहर आ चुके हैं भाई। आप कर दो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।